हम आ गए हैं हुनर हाट में। लग रहा है ना कोरोना खत्म हो गया। चलिए देखते हैं कैसा है इस साल का हुनर हाट। 20 फरवरी को ये शुरू हुआ और 1 मार्च 2021 तक है ये, और बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टॉल्स लग रहे हैं। चलो कुछ दिखाते हैं आपको। स्टॉल में पूरा बचपन है। नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स का भी काफ़ी बढ़िया कलेक्शन है इनके पास। पत्थर की कीमत होती है। नहीं पत्थर की कीमत क्यों नहीं है, अभी डायमंड देखो पत्थर ही है ना, तो करोड़ों में जाता है। बिल्कुल जी बिल्कुल। ये दोनों मेरे पापा को गिफ्ट कर दो। आइटम बहुत प्यारे बनाते हैं। बहुत प्यारे हैं आपके आइटम। कहाँ से हैं आप? मुरादाबाद। मुरादाबाद से? वर्ल्ड फेमस मुरादाबाद। वर्ल्ड फेमस मुरादाबाद, हम देख ही सकते हैं यार। काफ़ी एंटीक सी चीज़ें हैं आपके पास, मानना तो पड़ेगा। शाइन बहुत प्यारी है इसकी, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं इनके पास। 243। गाजर गुड़, मेवा गुड़, सादा गुड़, शक्कर, मूंगफली और तिल वाला गुड़। भाई साहब क्या सही सही गुड़ है यार इनके पास। यहाँ पे तो लिटरली मेला लगा है, खाने का मेला, आर्ट एंड क्राफ्ट्स का मेला, मेला ही मेला। इतने सारे चार्ट आइटम्स के आपको एक दिन भी कम पड़ेगा। ये इंटरेस्टिंग सी चीज़ लग रही है, देखे तो हलवा पराठा इसको एक बंदा तो खा नहीं पाता होगा। अच्छा अच्छा पीस करके मिलता है तभी। तो ये कहाँ का आइटम है? रामपुर का। हलवा पराठा ये कितने किलो का होगा? ये 500 ग्राम का, आधे किलो का ही है। ये सब 25 रुपए, 250 ग्राम। हलवा पराठा। और ये क्या चीज़ है? ये हलवा है। ये कौन सा हलवा है भैया? बहुत सूजी का लग रहा है। सूजी का हलवा है सर, कितने अच्छी चीज का। अच्छा सूजी का हलवा है, और क्या प्रेजेंटेशन करी है भैया, मजा आ गया यार देख के। तंदूरी चाय है, अभी अभी हलवा पराठा निकला है गर्मा गर्म तेल से। कभी खाया है आपने हलवा पराठा? अगर नहीं खाया तो आइए हुनर हाट में और ट्राई करिए। क्या कर रहे हैं घर बैठ के आप? यहाँ पे पान भी है। ये भैया बनारस का स्टॉल है, वो पान देख के मेरे को समझ आ गया। ये कौन सा पान है भैया? ये पान लड्डू है। अच्छा भाई, मेरे को मिठाई सी लग रही थी। तो लड्डू तो टूट गया भाई। सही बात है, लड्डू तो टूट गया। ये एक पेंटिंग अभी फिलहाल बन रही है, और जो पेंटिंग्स बन चुकी हैं वो आपको दिखाते हैं। देखिए भगवान श्री कृष्ण की क्या खूबसूरत पेंटिंग्स हैं, कैनवस पेंटिंग्स। ऐसा जूता जिसके अंदर आप पौधा भी उगा सकते हो, कमाल है ना। एक बुके जो आपका साथ कभी नहीं छोड़ेगा। ये सॉलिड पर्स है यार। यहाँ पे बांधनी भी मिल जाएगी आपको गुजरात की, देख सकते हैं काफी वैरायटी है यहाँ पे। ये जो आप पहाड़ों में खुदवाते हो ना अपने नाम, वो इधर भी मिल सकते हैं। गया का अनार से क्या चीज से बनता है जी? ये आटे का चावल होता है जी, उसमें मावा खोआ ड्राई फ्रूट डाल के बनाते हैं। अरे वाह, चावल के आटे में मावा और ड्राई फ्रूट्स होना, क्या बात है। ये हो गए जलेबी, और ये क्या चीज है भैया? लौंग लता मिठाई। लौंग लता, अरे क्या बात है। और ये खाजा? खाजा नहीं है, गाजा मिठाई। चम्मच गाजा। अच्छा अच्छा अच्छा।
चलो आज लिट्टी ट्राई करते हैं। ये लिया चोखा और ये ओए होए घी में डूबी डूबी हुई ये लिट्टी क्या बढ़िया से स्मोक करी हुई है, साथ में प्याज हरी मिर्च और इनकी मस्त वाली चटनी। और ये हो गई लिट्टी चोखा वाली मील हमारी कंप्लीट। कमिंग ऑन टू केरला स्टॉल, यहाँ पे मेंदू वड़ा, डोसा, बनाना चिप्स, गार्लिक मुरकू और तैयार हो रहा है हमारा शारजा शेक। तब तक आपको बाहर का व्यू दिखाते हैं, कितना खूबसूरत व्यू है, कितने कलरफुल डेकोरेशंस हैं। पहले तो इन्होंने डाल दिया स्ट्रॉबेरी वाला सिरप, उसके ऊपर डाल दिया ये शेक और अब डल रही है आइसक्रीम। ओए होए, टॉप्ड विद चॉकलेट सिरप, सम मोर स्ट्रॉबेरी सिरप। ये शेक तो तबाही मचा के रहेगा। प्राइस भी काफी नॉमिनल है यहाँ के। ये है शारजा शेक, ट्राई करके देखते हैं। सबसे जो अलग स्वाद आ रहा है ना वो केरला के ये छोटे वाले केले का आ रहा है, नियाली पोवन करके शायद नाम बताया था। बहुत ही अलग, बहुत ही यूनिक है। इसके अंदर वो वाला केला है, इसमें हॉर्लिक्स है और बादाम है, काजू है और भी आइसक्रीम वगैरह बहुत सारी चीज़ें इन्होंने डाली हुई है और बहुत ही अलग चीज़ है। कमाल की बात है कि शारजा शेक जो है वो दुबई की पैदाइश है बट केरला में अभी राइट नाउ बहुत ट्रेंड कर रहा है, सो हमको हुनर हाट में भी ये चीज़ देखने को मिल रही है। आपने भी अगर ये चीज़ ट्राई नहीं करी है तो आप यहाँ पे आओ, ट्राई करो यार, मुझे तो काफ़ी ऑथेंटिक लग रहा है। यहाँ पे आपको हथेली के साइज के केले भी मिल जाएंगे, देखिए कितना प्यारा सा खाने का ही मन नहीं कर रहा। और कमाल की बात है ये पुतली वाला डांस देखा था, कितना सही था, बड़ी इंस्टाग्रामेबल जगह है यार। दिल्ली की स्टॉल पे यहाँ पे है चाउमीन से लेकर तंदूरी चाय तक। देखो कैसे उफन उफन के बाहर आ रही है। ये लो जी, हो गई हमारी तंदूरी चाय लगभग रेडी, अब इसे पीते हैं और चलते हैं अगले स्टॉल पर। ये मूंग पकोड़ा है, वो 70 के, एक प्लेट में दो है, मूंग चीला है, उसमें पनीर और गाजर के स्टफिंग। छत्तीसगढ़ के स्टॉल में हमें दिखा मूंग पकोड़ा और ये जो बनने जा रहा है चावल का चिल्ला। अब चावल का चिल्ला हमें बड़ा इंटरेस्टिंग लगा तो सोचा हमने कि ये तो ट्राई करना बनता है। तो सबसे पहले ये देखो, ये पतला पतला सा जो घोल है उसको लगा देते हैं तवे पर। ये एक प्लेट में दो देते हैं, दो दोनों की साथ में आपको बनते हुए की प्रिपरेशन भी दिखा देते हैं साथ के साथ में। और इसका प्राइस भी काफ़ी नॉमिनल है, जैसे दो पीस 60 रुपए के। इसके ऊपर ये जी छिड़का तेल। इसको बनने में थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगता है रेगुलर चिल्ला से, तो पेशेंस रखना, पेशेंस का स्वाद बहुत ही बढ़िया होने वाला है। दोपहर करीब 12 एक बजे हम आए होंगे और देखो देखते ही देखते शाम हो गई और शाम का भी नज़ारा काफ़ी प्रिटी है। ये लो जी, चिल्ला भी लगभग बनके हमारा तैयार है। कुछ मसाले डल रहे हैं इसके ऊपर, जैसे गरम मसाला हो गया, धनिया पाउडर हो गया, नमक हो गया और उसके बाद ये गाजर और धनिया के छोटे 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 टुकड़े करके इसके ऊपर डाला है। बहुत ही टेम्प्टिंग सा लग रहा है।
ये लो जी, चावल का चिल्ला रेडी हो गया जी। ये दो तरह की चटनी के साथ भी सर्व किया है, एक है टमाटर और इमली की चटनी और दूसरी वाली जो है वो है दही लहसुन और छत्तीसगढ़ की लाल चपाटा मिर्च। चलो सबसे पहले यही ट्राई करके बताते हैं एकता। ये हो गया झारखंड का मालपुआ। हमारे पास मालपुआ के अलावा और क्या क्या आइटम्स है? हमारे पास मालपुआ के अलावा जलेबी है। अच्छा, जलेबी भी है। पकौड़े हैं। अच्छा, जलेबी सर, पकौड़े हैं, मालपुआ है। पकौड़े क्या क्या चीज है? पालक का पकौड़ा है, गोभी का है, आलू का है और मिर्च पकौड़ा है। मिर्च पकौड़े है। अरे वाह, क्या बात है। और ये है जी लिट्टी चोखा है। लिट्टी चोखा है, गरम गरम लिट्टी। और चोखा क्या चीज का है? ये सर बैंगन का है, बैंगन आलू का है। अच्छा, आलू का भी है, बैंगन का भी है। हाँ जी, दोनों मिक्स है, दोनों मिक्स है आलू बैंगन। और ये है ये पाव भाजी सर। पाव भाजी, ये क्या है जी? हाँ जी, लुस्का। क्या बात है जी, क्या बात है। मार्बल से बनी हुई फ़ोटो फ्रेम्स, मार्बल से बनी हुई इतनी सारी चीज़ें, इंक्लूडिंग दिस मार्बल से बना हुआ सोप डिस्पेंसर। कमाल की चीज़ें हैं यार इनके पास। इस हुनर हाट में सच में हुनर है। अगर आप इधर नहीं आए तो आप बहुत कुछ मिस कर रहे हो। अगर आपको ये सारी चीज़ें एक्सपीरियंस करनी है, अपने घर लेकर जाना है, तो आपको यहाँ पे आना पड़ेगा। तो यहाँ पे आइए, टाइम निकालिए। ये ज़्यादा दिनों तक नहीं है, खाली 1 मार्च तक ही है, 1 मार्च 2021। चलिए मैं तो चलता हूँ और एक्सप्लोर करने, क्योंकि बहुत बड़ा है ये। भदोही का मैट है। भदोही का? हाँ, भदोही, भदोही उत्तर प्रदेश का है। ये मैट है, बहुत अच्छा है, कालीन है, ये वुलन कारपेट है, ये हाथ का बना हुआ चीज़ है। तो अगर आपको मैट चाहिए और आप सोच रहे हो आप कहाँ से लो, यहाँ से लो यार। और आपको शॉप नंबर 182 में ये भदोही के बढ़िया बढ़िया मैट्स मिल जाएंगे, देख सकते हो यार आप। मैंने पर्सनली कुछ मैट्स यहाँ से परचेज किए हैं, रुक नहीं पाया, आपको मैं दिखाता हूँ कुछ जो मैंने परचेज किया है। एक ये शेर या बिल्ली, आप जो आप बोल सको इसको, या आप अभी तक अगर आप सिंगल हो तो ये आपको लगेगा शेर, और अगर आप मैरिड हो तो आपको लगेगी ये बिल्ली। तो और बहुत ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल मैट्रेस है यहाँ पे। ऊद के बारे में तो आपने सुना ही होगा, एक अरेबिक इंस्ट्रूमेंट है जिसको इंडिया में सिर्फ और सिर्फ यही मैन्युफैक्चर करते हैं, रामपुर उत्तर प्रदेश में। वायलिन भी ये मैन्युफैक्चर करते हैं, और साथ में ओए ओए ये देखिए, यूके ले ले या गिटार देख के मैं थोड़ा खोसा जाता हूँ। हम आए हैं बंगाल के स्टॉल में, जहाँ पे नॉलन गुड़ संदेश भी है, जो कि तोड़ते ही अंदर से गुड़ निकलता है। ओ हो हो भाई साहब, मज़ा आ गया यार, लिक्विड गुड़। ओए होए, इसके अलावा इनके पास गुड़ का रसगुल्ला भी है, 30 रुपीस पीस है ये रसगुल्ला, लेकिन खाने में बहुत सही है। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रहा है, ये चीज़ क्या है? जैकफ्रूट का कॉन्सेंट्रेट है। अमेजिंग अमेजिंग। दिस वन इज हलवा विद द डेट्स एंड द नट्स।
banana and coconut. Banana and coconut. Okay. It's also basically with coconut oil. This one is banana chips. Very quality banana chips with coconut oil. Okay, okay. Everyone comes and buying from these are like tapioca. These are all tapioca. It's from my own farm. Okay, nice, also, nice, nice, nice. Yeah, yeah. And this is what? This one is tamarind like soap tasting dried tapioca, you know? Dried tapioca. Yeah. And what's that powder? Is this gunpowder? No, no, it's a chutney powder. Chutney okay, powder. Okay, it's a chutney powder basically. Yeah. Yeah. Very very good for our health. It's having lot of vitamins, minerals, everything that we need for improving our health, you know? Oh, that is amazing. So अगर कोई लेना चाहे तो ये क्या प्राइस का है? Sir, 130 है. Okay, okay. 130. This one Sarkarvarti in Kerala. It's we are using banana and jaggery for making it. Okay, banana and jaggery. That makes it like crispy. Yeah, crispy also. Crispy and also very tasty. Very different tasty. Yes, yes, yes. Mini Kerala. You can mini Kerala. We have to improve more and more. So like you can visit Hunar Haat and यहाँ पे आपको अलग अलग states का हुनर दिखेगा. और जैसा कि अभी आपने देखा इतनी सारी चीज़ें, शक्करवट्टी है, टैपियो का चिप्स है, बनाना चिप्स है एंड इनका ऑर्गेनिक पेपर है जो इन्होंने अपने फार्म से तोड़ कर लेकर आए हैं. तो लाइक बहुत बहुत अमेजिंग है. सो आप यहाँ पे आओ और यहाँ पे ये सारी चीज़ें ट्राई करो. अगर आपको अच्छी लगे तो आप घर भी लेकर जाइए. सो आपको अगर ये चीज़ें आपको ट्राई करनी है तो आपको यहाँ पर आना पड़ेगा और आओगे तभी आप खा पाओगे. और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल बैकपैकर इंडियन को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा. एक अच्छा सा कमेंट कर दीजिएगा कि आपको और क्या क्या नई नई वीडियोस देखनी है. मैं मिलूँगा और नए वीडियोस के साथ. तब तक के लिए बाय.